हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लाइव जा रहे हैं। सब कुछ सेटअप रेडी है, एनेस्थीसिया लग चुका है, पेशेंट को रेडी कर दिया गया है। हमारा प्लान, वी आर प्लानिंग टू अबाउट 300 cc ब्रेस्ट इम्प्लांट। द पेशेंट इज़ अ स्मॉल चेस्टेड लेडी, बहुत छोटी चेस्ट है और बहुत हाइट भी कम है। पेशेंट शोल्डर टू शोल्डर डायमेंशन बहुत कम है, सो बहुत बड़ा इम्प्लांट हम लोग लगा नहीं सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, हमेशा पेशेंट को क्लीन करके शीट से कवर करते हैं। उसके बाद लोकल एनेस्थीसिया के इंजेक्शन हम ऑलरेडी दे चुके हैं। सो अब नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, यहाँ से इंसिजन लगाएंगे एंड ब्रेस्ट के अंदर पॉकेट बनाएंगे। आप देखते जाएंगे कैसे। कोई बात कटिंग 50 कर दीजिएगा, कोएगुलेशन 50, मेरी हेडलाइट ऑन कर दीजिए। लैंगन बैक, तो ब्रेस्ट के अंदर हमने ऑलरेडी इंसिजन दे दिया है। अब ब्रेस्ट के नीचे जो मसल होती है, पेक्टोरलिस मसल, उसको ढूंढेंगे। ऊपर की लाइट ऑफ कर दीजिए। लाइट ऑफ। ठीक है, लैंगन बैक और देना। गॉज देना नहीं होगा, हो गया, छोड़ दो छोड़ दो, गॉज देना मुझे। लैंगन बैग दूसरा दे, बहुत मोटा है। ये रेड कलर की मसल है, पेक्टोरलिस मसल, और इसके ऊपर लेयर हम उठाते हैं। ये सिल्वर कलर की, ये जो रेड कलर की है ये मसल है, और इसके ऊपर सिल्वर कलर की लेयर है। इसको हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, इसके अंदर इम्प्लांट डलेगा। कोविड है ना, कॉटरी बॉस है ना। फॉर्सेप देना मुझे, कॉटरी करना सुने। करो बस, इसको दूर रख लीजिए ना, करंट कैच कर रहा है। सो इस तरह से ब्रेस्ट के अंदर हम लोग स्पेस बनाते हैं। ऑलमोस्ट इस साइड की स्पेस बन चुकी है डिसेक्टर।
ये इंस्ट्रूमेंट डिसेक्टर कहलाता है। इसके अंदर से हम ब्रेस्ट के अंदर ले जाके एक यूनिफॉर्म स्पेस क्रिएट करते हैं। लीवर्स लाइट ऑन, पैकिंग लीवर्स गुड। सो ब्रेस्ट के अंदर की स्पेस अब बन चुकी है। इसके बाद हम लोग ये पैकिंग करते हैं। इसका रीज़न होता है स्किन को स्ट्रेच कराने के लिए। सो 5 to 10 minutes ये गॉज पैक्स अंदर रहते हैं, उससे ब्रेस्ट स्ट्रेच हो जाता है और हम एक बड़ा इम्प्लांट डाल सकते हैं। चलो बस पैक एक पैक होता हूँ, है ना। यहाँ ना स्पेस नहीं बनी, मैं ड्राइंग से काफ़ी है, थोड़ा सा ये बनना पड़ेगा, ये मेडलाइन है ना, इधर तक आना पड़ेगा। लाइट ऑन करना, देना रिवर्स 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 बना हुआ है इधर, अच्छा खासा बना हुआ है। ये देखो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक है, ठीक है, बहुत है। इधर आ जाइए तुम, ये तो काफ़ी है तो ये ना जान ही रहा है पैक अंदर लेकिन, है ना। डिसेक्टर
नहीं दे रहा हूँ वहाँ पे, $300। सो इस तरह एक साइड की कैविटी हम लोग क्रिएट करते हैं, अब दूसरी साइड पे काम करेंगे एंड देन ब्रेस्ट इम्प्लांट 7 to 10 मिनट्स में जैसे दूसरी साइड की कैविटी हो जाती है हम लोग इसके अंदर ब्रेस्ट इम्प्लांट डालते हैं। तो थोड़ी देर आप देखते रहें, है ना, टेबल टिल्ट मेरी तरफ, लेकिन 300 से ज़्यादा नहीं डालते। रिट्रैक्टर कट, थोड़ा टेबल नीचे भी कर दीजिए और मेरी तरफ और टिल्ट कर दीजिए, लंग एंड बैक, बस डिवर्स सकते, रिवर्स दिवस पैक्स था। बड़े हैं क्या पैक्स, ये काफी बड़े हैं, कोई यही बोलते हैं क्या, डिसेप्टर
ना तीसरा तीसरा पैक। चलिए टेबल न्यूट्रल कर दीजिए, टेबल स्ट्रेट। स्ट्रेट 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 न्यूट्रल और कीजिए और कीजिए और बस थोड़ा सा वापस कीजिए, थोड़ा ज़्यादा बस। हाइट अप प्लीज, लाइट ऑन। थ्री फोर से स्पंज होल्डर बीबस डिसेक्टर है ना, फोर से बना मुझे कॉट्री करना। करो एक मिनट, करो स्टॉप, करो स्टॉप। 300 cc का इम्प्लांट खोल दीजिए, 300 तो पीछे। मैं 300 cc का मोटिवा सिल्क सरफेस हाई प्रोफाइल इम्प्लांट डाल रहा हूँ। हाथ पे सलाइन दे दीजिए प्लीज़, फ्रेश 300 इधर। सो मोटिवा इम्प्लांट्स का बिगेस्ट एडवांटेज है लाइफ टाइम वारंटी होती है, प्लस इट इज़ द ओनली इम्प्लांट इन द वर्ल्ड जो कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर के अगेंस्ट भी 10 इयर्स की वारंटी देता है। इसके साथ आपको एक आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा जो आपके इम्प्लांट की आइडेंटिटी है, और ये इम्प्लांट्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि लाइफ लॉन्ग आपकी बॉडी में रहेंगे और आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाथ पे सलाइन प्लीज पहले। चल दे दीजिए, डिटर्जेंट डाल दिया मैंने, बस बस ओके। तो ये ऊपर की लेयर हम लोग खोल सकते हैं, और सेकंड लेयर मैं उठाऊंगा उसके अंदर इम्प्लांट होता है। डिवाइस लगा लो, सुनो ये वाली स्टेराइल लेयर है, यहाँ से इम्प्लांट उठाते हैं। आप इम्प्लांट देख पा रहे हैं अंदर, 300 cc का इम्प्लांट। एक 30 मोनोकेल निकाल देना,
तो 3D सीसे का इम्प्लांट हम लोगों ने डाल दिया, बहुत कंफर्टेबली आ गया है, बहुत एक्सेस नहीं लग रहा है, बहुत अच्छी राउंडनेस दे रहा है। अब इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करने की आपको टेक्निक दिखाता हूँ। लाइट ऑन कर दीजिए, ऊपर की लाइट ऑन कर दीजिए, ऊपर की। Fine for set. Scissor. दूसरी दुकान आती है, ब्रेस्ट इम्प्लांट तो फीमेल्स में डलता है ना। हाँ वो अलग सिचुएशन है, कुछ ट्रांसजेंडर्स इम्प्लांट जरूर कराते हैं लेकिन वो मेंटली फीमेल्स होते हैं, चाहे मेल की बॉडी में होते हैं वो। नहीं, ब्रेस्ट इम्प्लांट से कभी भी कैंसर नहीं हो सकता, ब्रेस्ट फीडिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है,
और इससे अगर आप अच्छी क्वालिटी का इम्प्लांट कराएंगे तो आपको कभी लाइफ लॉन्ग कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थ्री सीसी का खोल दो, उधर डाल दो, दूसरा खोल दीजिए प्लीज़। 300 सीसी, शाम को दे दो। सलाइन से एक बार फ्रेश सलाइन दे देना, उसके बाद आप देख पा रहे हैं बहुत छोटा इंसिजन है, करीब 3.5 सेंटीमीटर ही है सिर्फ, और एक पेंसिल लाइन की तरह रह जाएगा और करीब 3-1 महीने बाद बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा। छोड़ दो, यहाँ पर ट्रैक करो। रिकवरी अभी इनको 3 से 4 घंटे में हम डिस्चार्ज कर देंगे। दिन आज शाम को घर जाके रेस्ट करेंगे, कल थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, परसों से सारी ऑफिस एक्टिविटीज़ नॉर्मल सब शुरू, एक्सरसाइज जिम वगैरह सारी चीज़ें 7 to 8 डेज़ के बाद शुरू हो जाती हैं। उधर की लाइट दिखा दीजिए एक बार, उधर लाइट दिखा दीजिए। मुझे लग रहा ऊपर की तरफ थोड़ी पॉकेट शायद बनानी पड़े। सही ब्रांड काट दो। फ्रेंड्स इस साइड का बेस्ट इम्प्लांट लग चुका है, एवरीथिंग इज सेट, बस स्टिचेस के लिए ड्रेसिंग हमको करनी है। सो थैंक यू फॉर सीइंग दिस। हम लोग दूसरी साइड पे सेम प्रोसीजर करेंगे, अनदर 10 मिनट्स टू गो। एंड आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो वीडियो के कमेंट में जरूर डाल दीजिए, मेरी टीम एंश्योर करेगी कि सारे सवालों के जवाब हो जाएं। चीयर्स, थैंक यू।